जोधपुर में कल रात को झालावाड़ गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक जगदीश सरगरा के चचेरे भाई एवं भाभी द्वारा उसे काम का झांसा देकर साथ में ले गए और घर से कुछ दूरी पर जाकर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई की मांग है कि आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। जनसेवा समिति की ओर से आगामी 4 दिसंबर को वहां रैली निकाली जाएगी। इसे लेकर गणमान्य लोगों की उपस्थिति में बैनर का विमोचन किया गया। जनसेवा समिति के संयोजक समुद्र सिंह परिहार ने बताया कि 4 दिसंबर को सुबह 9 बजे चैनपुरा चतुरावता बेरा से अमरपुर धाम नागौर के लिए रैली रवाना होगी। मार्ग में जगह जगह रैली का स्वागत सत्कार किया जाएगा। रैली के आयोजन को लेकर मुख्य अतिथि राजेंद्र गहलोत की अध्यक्षता में बैनर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर गजेंद्र सिंह परिहार, ज्ञान सिंह परिहार, प्रकाश परिहार, गणेश परिहार, पिंटू कछवा सहित गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। मंच का संचालन दीपक देवड़ा ने किया। जोधपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित नव आरक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह के बारे में है, जहां मुख्य अतिथि आईजी रेंज विकास कुमार ने परेड की सलामी ली और नव आरक्षकों को राष्ट्रीयता की शपथ दिलाई। जोधपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त पदाधिकारी की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में सभी नवनियुक्त पदाधिकारी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में बीए बीकॉम बीएससी की प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए अंकीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बालिकाओं को नई शिक्षा नीति के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी, साथ ही कॉलेज की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गयी। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।